One. तुम गलत समझ रही हो, हमेशा गलत समझती हो। दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए तो लौट आई हो। नहीं देव, मैं लौट कर नहीं आई हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़, जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। आंख लग गई थी। अर्जुन सिंह बख्श नाम जरूर है मेरा, मगर मैं ड्यूटी पे आंख लगाने या आंख लड़ाने वाले को कभी नहीं बख्शता। यस सर। इस इलाके का नामी गुंडा, जिसके नाम का डंका पूना तक बज रहा है, और तुम कहते हो उस नाम की कोई फाइल नहीं है, यह कैसे हो सकता? बेईमानी की इस दुनिया में भी ईमानदारी के कुछ असूल होते हैं, लेकिन तुमने उन असूलों को तोड़कर राजा साहब का पैसा लूटने की कोशिश की, लेकिन हम तुम्हारे बाप निकले, पैसे के साथ साथ तुम्हारा माल भी लूट कर ले आए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उसे छेड़ने नहीं, उसे अपनाने आया हूँ। मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूँ। अच्छा? आप मेरा काम कर दीजिए, मैं कसम खा कर कहता हूँ आपको परमानेंट नौकरी दिला दूंगा अपने कंपनी। परमानेंट नौकरी दिला दोगे? देखो मिस्टर, अगर तुम ऊंचे खानदान से हो ना, तो मैं नीचे खानदान से नहीं हूँ। अरे रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम बेकार में मुझे परेशान कर रहे हो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते के हर मोड़ पर तुम मुझे सामने पाओगे विशाल। मुजरिमों को परेशान करके उनसे सच चुगलवाना मेरा पेशा है। तुम बेकार में मुझसे उलझ रहे हो इंस्पेक्टर। सिक्स। अरे बात देखे, तेरे जैसे पुलिस वाले कानून को खरीदते आए हम, कानून को, और तू कानून के हाथों बिककर आ गया। अपने बाप की हत्या इतनी जल्दी भूल गया तू? सेवन। वाह इंस्पेक्टर, अच्छी ड्यूटी निभा रहा है तू। तो तू टाबला से मिली पोटियों का ऐसे हिसाब चुकाता है? एट। तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? नाइन। आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी, मेरी बात मानिए। टेन। मैं अक्रम शेख, CBI। तुम्हारा नाम रचित है ना? तुम्हारी जिंदगी के दो मकसद है, और दोनों ही मकसद जेल से बाहर जाए बगैर पूरे नहीं हो सकते।